कैरियर और जीवन में सफलता पाने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सभी अच्छे मार्क्स के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर मनपसंद जॉब हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मन लगाकर पढ़ना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। कई ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। कई कारण होते हैं जो पढ़ाई में मन ना लगने के कारण हो सकते हैं, जैसे ध्यान भंग हो जाना, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शोर शराबा होना, गेम्स में ज़्यादा ध्यान देना, परिवार या दोस्त इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर हम आपको 6 ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है आकाश शर्मा। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो सबसे 6 नंबर पर है, शांत जगह पर करें पढ़ाई। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए जगह बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि वैल्यू देती है, इसलिए पढ़ाई के लिए हमेशा ऐसी जगह का चुनाव करें जहां का वातावरण और आसपास की जगह काफ़ी शांत हों। साथ ही बैठने के लिए भी एक स्टडी कुर्सी होनी चाहिए आपके पास, और टेबल का होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे अच्छे से कंफर्ट होकर आप बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कभी भी आपको लेटकर पढ़ाई या बेड पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आप चलते हैं 5 में पॉइंट पर। तो 5वां पॉइंट है, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक योजना बना लें। आपको बता दें, पढ़ाई शुरू करने से पहले सही योजना बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइम टेबल चार्ट बनाकर उसके अनुसार प्रतिदिन पढ़ाई कर एक बार बैठकर करीब 50 मिनट तक पढ़ाई करें। उसके बाद आप 10 मिनट तक ब्रेक ले सकते हैं जिससे आपके अंदर एक एनर्जी भरपूर मात्रा में ज़रूर बनी रहेगी। अगला आपका है 4 नंबर का पॉइंट है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रहें। आपको बता दें, अगर आप लंबे समय तक मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद को दूर रखना चाहिए। जब पढ़ाई के लिए जाएं तो मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो या फिर आपके टीवी वगैरह हो, उन सभी चीज़ों से आप काफ़ी दूरी बना लें जिससे कि ये आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई में रह सके, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 3rd पॉइंट पर। अगला है, अनुशासित रहें। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए अनुशासन की भी बहुत ज़रूरी होती है। जब पढ़ाई में आपका मन भटकने लगेगा तो यह अनुशासन ही आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद करेगा। जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से भटकने लगे तो आप अपने टाइम टेबल पर फोकस करें और टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने पढ़ाई में लगातार बने रहें। अगला हमारा पॉइंट है, जो पॉइंट है आपको खुद पता होगा कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको वैल्यू देने वाला है, कि पढ़ाई के साथ करें समीक्षा। अगर आप अपनी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रेस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए बीच बीच में खुद की समीक्षा ज़रूरी करें, अपनी सफलता पर प्रोग्रेस को देखकर अपना पढ़ाई में और ज़्यादा मन को लगाएं। आपको बता दें, ये हमने जो अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो हमारा 1 नंबर का है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट में आपके लिए है कि आपको PYQ की प्रैक्टिस प्लस रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये पहला पॉइंट है, और ये पहला पॉइंट आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट समय में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्लस पीछे की चीज़ों का आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ें थोड़ा सरल लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन आसानी से लग पाएगा। देखिए, आपके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कि बहुत हार्ड लगती हैं आप लोगों को, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन चीज़ों से आप सीख पाते हो, उन चीज़ों में आपका दिमाग अच्छे तरीके से लग पाता है। तो लगातार आप रिवीजन करते रहें, लगातार सीखते रहें। प्लस कोई भी अगर आपका डाउट है तो उस डाउट को आप अपने टीचर से क्लियर करते रहें, जिससे कि सारी चीज़ें आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएं और आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने एक टारगेट बनाइए और टारगेट को अचीव करने के लिए अपने पढ़ाई में मन ज़रूर लगाइए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, स्टडी टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमको हमारी बहुत सारी वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।